पैराडाइज ग्रुप के डायरेक्टर मनीष भाटिया के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके शुभचिंतकों ने पुष्पगुच्छ देकर दी बधाई। इस मौके पर कई दिग्गज हस्तियां भी मनीष भाटिया को बधाई देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मनीष भाटिया के करीबी दोस्तों और उनके परिवार के सदस्यों ने उनके जन्मदिन को विशेष बनाया। साई पैराडाइज ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में मनीष भाटिया ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और अपने काम के लिए सम्मान अर्जित किया है। उनकी सफलता और समर्पण की भावना प्रेरणादायक है, ऐसी भावना उपस्थित लोगों ने व्यक्त किया है। अभी इम्पोर्टेंट हमारी फाउंडेशन का केक मेन इम्पोर्टेंट। बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। स्ट्रॉन्ग टीम जिसके पास हो, पैराडाइज फैमिली की इमोशन समझने वाली इतनी स्ट्रॉन्ग टीम सिर्फ पैराडाइज के पास है। इसलिए पैराडाइज अपनी एक अलग छवि लेकिन अभी मुंबई में नहीं, पूरे एमएमआर रीजन में आगे बढ़ रहा है। और पैराडाइज क्या है? पैराडाइज मनीष भाटिया नहीं है, पैराडाइज एक फैमिली है जिन्होंने आप सबको पाया है। आप सबकी मेहनत से आज ये 34th फाउंडेशन डे है। मुझे ये पहला फाउंडेशन डे है जब मेरी टीम से बिल्कुल कोई शिकवा शिकायत नहीं है और पूरी टीम ने बहुत सुपर्ब काम किया है। ये सब वीडियो या बहुत सारे मार्केटिंग के काम, मार्केटिंग की टीम, CRM की टीम, परचेज डिपार्टमेंट की टीम, हर टीम अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। मैं जब इस इंडस्ट्री में ये ऑफिस बनाया तो मेरे पास इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग लोधा से, अलग अलग कंपनियों से, बड़े बड़े टॉप बिल्डर से आते थे। इंटरव्यू में मैं पूछता था कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, तो बोलते थे कि, कोई बोलता था कि मार्केटिंग, कोई बोलता था सेल्स। पर मुझे समझा कि सेल्स और मार्केटिंग दोनों डिवीज़न अलग होने चाहिए। और पैराडाइज के पास फॉर्चुनेटली बहुत कम बिल्डर है जिनके पास में मार्केटिंग और सेल्स का डिवीज़न अलग है, जो हमारे पास है कि मार्केटिंग की टीम प्रोडक्ट को मार्केट करके सेल्स तक लेके आती है। और इन सब के पीछे सबसे बड़े सपोर्ट देती है लीगल टीम, लाइजनिंग टीम, वो उमेश उपाध्याय जी की टीम। अब बोलने को जाऊंगा तो यहाँ खड़े हुए बहुत सारे स्टाफ का नाम लेना पड़ेगा, तो मैं मेरे सभी की पर्सन्स HODs जो कंपनी के तकरीबन 34 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी की बैकबोन है, और उन 34 स्टाफ ने आप जैसे कई सारे स्टाफ को अपने साथ में जमा किया है और आपकी मदद से वो 34 जो की लीडर्स हैं वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑन दिस 34th फाउंडेशन डे टू माई ऑल टीम ऑन बिहाफ ऑफ अमित जी, माई फादर मधु भाटिया जी एंड माई सेल्फ एंड माई नेक्स्ट जनरेशन हु इज़ वेटिंग टू कम इन कपल ऑफ ईयर्स एंड ज्वाइन पैराडाइज। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2027 में 21 सितंबर को आई विल बी 50 ईयर्स एंड माई सन इज़ गेटिंग फिनिश द एजुकेशन इन द मंथ ऑफ अगस्त 2027। हिज स्टूडेंट ID इज़ गेटिंग फिनिश ऑन 18 सितंबर 2027। So the launch of the my son Ansh Bhatija, my celebration of the 50th birthday and the foundation day of the 37 years of paradise will be get celebrated with the our public issue on 21 September 2027.
So we are now on the path, on the way to this new path for new journey to having a new foundation of a public issue in 2027. For this, Paradise is getting ready with your support, and this will be the one kind of the very big example when we will come with this public issue. People will understand how real estate firms are performing and what new we will bring for this kind of public issue that I will create with your support. And I am very happy to have the key role in this Paradise Group as a managing director. But the very important in our family who is playing the biggest role is Amit Bhatija, who is all time sitting here and supporting with the support of my father, his whole handling whole office, meeting everyone, and a lot of channel partners who are very close to Amit Bhai as a family member. So this is the very big bounding between the channel partners and Amit Ji, creating the sales every month in a next level. I am very much thankful to all my channel partners and my all landowners, also all you media people who for small Lord Ganesha function of our home or this kind of foundation day, you everyone coming and supporting and taking our views to the public. So this all with the support of the accounts department, the CFOs, there are three CFOs in the company, Vineet, Pradeep, Pankaj, they all are playing very strong roles, Anand, Sneha, too many people, Sandhya. Like if I start, it's difficult to finish the names, but I feel proud to see my very big team. I can say this is the horses of paradise. So you all are my horses. On your everyone's base, I am running this company, and everyone is watching Paradise, that how Paradise is performing, why Paradise is performing. But the key point is my team, Paradise team, including the channel partner. So once again, the team have also very good chef, Namdev. who is making good food for us in the emergencies, in the night when we have some very much work. So sometime he got irritated to make, but then also he's making good poas and sandwiches. So on this day, again, I am very much thank you, Sharma ji. You are the, and Rajan and Shyam Thakur is the oldest employees of the Paradise. Almost when I started my career, Indrabhushan Sharma, and Sharma ji don't need more to say about him what he is. Everyone know about him. Shyam Thakur also came from small background, but now he is leading the company in the licensing department with the support of Upadhyay ji. Rajan always is a key person, sitting up to 11 o'clock as a very strong, like a protector of the Paradise. Also he is standing on his two legs all time. He didn't like anyone will see Paradise with the bad eyes. He always looking to the people who are not comfortable with Paradise. He is making them comfortable with his pressure tactics. But we will appreciate about Jitu's efforts about all this. Yogi was working before like a normal employee. Now he is a lawyer. He cleared the education because of the Paradise. He want to be a lawyer of the advocate from the Paradise in-house team. So with Upadhyaji's full guidance, he is reaching new heights. And Anirudh now joined with us from 1 year, more than 1 year. This all legal team, too many people from the GST department, you all people are doing very good. So I very appreciate about HR department with the coordination of Radhika and Arun Iyer will improve more and give you more comfort. I promise you on behalf of them. And overall, this senior, there is a lot of people like Haresh Rochani, Sanjay Balarao, Jitu Meena, Raju Gupta, and Larry Banushali, newly given backup to the Paradise Group. This all stand by nearby Paradise. It's not means they are not getting brokerage or money from other builders, but why they are very much close to me, because of our nature. So one thing you understand, that this all people stand by with us not for money,
it is all because of our approach and our honesty which we are giving to the customer. Today, like too many channel partners behind, looking behind, I can see them behind and they are watching us, but they are with us, they are getting more brokerage from other builders and they are doing business with them, it is not a problem, but their first attraction, their first love is us. So nowadays, country is growing, everyone have a 2-3 loves, they have also 4-5-6 loves are there, but their first love is paradise. So this is a whole journey. Satre sir, my first friend from government department, he met me on the motorcycle and I was supposed to sit with him. His big danda is there about the police and we are going. So I am thinking, okay, I am going with police with danda. If anyone is there now, we have a machine gun. Right. So anyhow, this all is going very good. This is an old journey. The last name I have to take, who is always sitting with me in car as a shadow and always supporting me, moral support. Like, what is his job? His job to take care of Manish. His job to give me moral support. And that is Swapnil Redkar. Swapnil don't have anything to get from paradise. Like, he is not employee, he is not partner, he is not anything. But he is more than everything for us. Because in this difficult time, he never left me alone. He is standby nearby me. So all my friends like Sanjay Balerao, Haresh, Jitu, Amit Thakur. Sorry Amit, I forgot to take your name. Because every time I am saying Amit, and there are two Amit in our family. So Raju, thank you very much. Dilip Bhai, my childhood friend like Jitu. They all are playing very good, different role, including Sahil Lilani. He is doing very good. And I also tell you one thing, that we should follow, he is a small child, but we should follow him like a senior people in from our office should understand that we should follow this small child about this competition when we are doing inside each other. We should not do. If I am saying now, we are taking Mahesh on the, Mahesh Dwivedi is joining again in Paradise. So he was happy. He didn't say no, what he will do, we have sufficient team. So he appreciate, he say okay, bring the Mahesh in the team. So we now again the good employees who left Paradise, they again coming back. And we are selecting and whoever we want, we are taking. So company is growing. We want to achieve this goal of 2027. Be with me, be with us. We need you. Till Ansh will come, I want when he come, he can see that his father and his father's team created a new kind of paradise. Today is also paradise too good. But I want to go to the next level. Now before 2 years, builders from Navi Mumbai is thinking competition with us. Today, the builders from Mumbai is thinking that we have competition with Paradise. So we have two brands, Manish Bhatija and Paradise. Because I am whole day going here, there in the car, people are knowing me. So we have fortunately very good image in the market and we will try to keep this image always good with your support. And now we will cut the ceremony because it's already 6:56. Your everyone's alarm will start now, we have to go. I know, because while coming, maybe you are late, but while going, you always on time. So I appreciate for going on time from Paradise. Let's clap for my team for being perfect on going on time. Thank you. That's why now it's 6:57 and we are speaking. अभी देखिए 34 साल की जो जर्नी है हमारी, हम 34 साल पहले तक यहाँ के किसी एक बंदे को भी नहीं जानते थे न्यू बॉम्बे के, और ऐसे ही हमने यहाँ आगमन किया किसी दोस्त के थ्रू, और हमने बच्चे तो वो टाइम छोटे थे, तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसे ही पार्टनरशिप करके काम चालू किया। वो कुछ सालों के लिए था, जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए तो इमीडिएटली जो हमने पैराडाइज कंपनी थी वो पूरा अपने होल्ड में ले लिया। हाँ जा, उसके बाद ये सफ़र जो है हमारा कंटिन्यू है, पूरा फैमिली बिजनेस है, हमारे साथ कोई पार्टनर नहीं है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि
प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट खड़े करते जाएं। मनीष ने मेरे को ज्वाइन किया 95 में और अमित ने ज्वाइन किया मुझे 2003 में, चार में समझो। तो उसके बाद बच्चे कंटिन्यूस लगे हुए हैं, एक दिन भी खारा नहीं करते थे, करते हैं। मनीष तो जब ज्वाइन किया वो सिर्फ 17 साल का था, तभी से लगा पड़ा है, एक दिन भी काम के अलावा रहता नहीं है और लगा रहता है, डट के रहता है। पूरी प्लानिंग बच्चों ने अभी करनी शुरू कर दी है। अभी मैं 74 एज में हूँ तो मैं धीरे 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 थोड़ा पीछे हट रहा हूँ, बच्चों को आगे कर रहा हूँ। जो संसार का नियम है, जो चलन है, उसे उससे तो कोई भी अलग नहीं है, बराबर। और आपको क्या बताऊँ मैं, आप बोलिए सर। ये तो जर्नी हो गई हमारी पैराडाइज की, जो कोई आपने जर्नी पूछी। आज हमारे एमडी मनीष सर का जन्मदिन है, कैसा आप एज ए फादर, एज ए चेयरमैन पैराडाइज की क्या देख रहे हैं, क्या विजन देख रहे हैं? देखिए अभी क्या है, शायद 21 सितंबर जो दिन है हमारे लिए अच्छा है, महान है। मनीष का जन्म 21 सितंबर 79 में हुआ था। और उसके अलावा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी जब पहला अच्छा जॉब शुरू किया था वो भी मैंने 21 सितंबर 71 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। तो 21 सितंबर, और हमारा बाय द वे चार्टर डे भी 21 सितंबर ही है। तो इसी फाउंडेशन डे को और मनीष के बर्थडे को हम अच्छी तरह हर साल मनाते हैं। मनाना क्या है, केक कटता है, हमारे सब चाहने वाले, हमारे मित्र हमारे यहाँ आ जाते हैं, हमारा पूरे स्टाफ हमारे साथ रहता है और इसी से हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। उसके अलावा हमें जो थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं, गुड विशेस आती है, वो गुड विशेस से हमारा एकदम पेट भर जाता है। बाकी तो देखिए संसार है, चलता रहता है। और अभी मनीष 45 के हैं और अमित ने मुझे 2004 जनवरी में ज्वाइन किया था, तो उसके बाद कंटिन्यूस चल रहा है। और हमारा सिर्फ एक ही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ आवर एम, टाइमली पोजीशन इज़ आवर एम, एंड जो हम जबान करते हैं वो पूरी करते हैं। आज अगर हमने बोला हम आपको ये एमिनिटीज़ देंगे तो उससे दो चार एमिनिटीज़ ज़्यादा ही दे देते हैं, कम नहीं देते। ऐसा नहीं है कि भाई चलो माल तो मेरा बिक गया, अभी क्या फ़र्क पड़ता है, दरवाजे में से 10,000 बचाओ, 5,000 विंडो में से बचाओ, 15,000 और किधर से बचाओ, वैसा बचाने की भावना नहीं रखते हैं हम, यही करते हैं। और थोड़ा ज़्यादा ही डालो जैसे चीज़ ब्यूटीफाई होए, जैसे उस चीज़ की अहमियत बढ़े। और दूसरी बात तो क्या है, जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसमें ये सोच पहले रखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुड बी बेटर प्रोजेक्ट। बेस्ट तो हम नहीं कहते हैं, कह सकते हैं, एक बार बेस्ट कह दिया तो उसके आगे क्या कहेंगे। अगर स्माइल को हमने स्माइल कह दिया तो स्माइल को क्या कहेंगे। तो इसी तरह हम कोशिश यही करते हैं कि हमारी एवरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुड बी बेटर प्रोजेक्ट, और जेन्युइनली उसे बेटर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये हम नहीं कहते, जमाना कहता है। क्योंकि देखिए पहले तो आज तो हम भरी भरी ऐड देते हैं, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास क्वांटम ज़्यादा है, ज़्यादातर हमारे पास जो है एकर्स में प्लॉट है। अभी एकर्स में प्लॉट है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और वो हिसाब से हमें सब ये ऐड ये वो सब करना पड़ता है। इसके पहले तो हम माउथ पब्लिसिटी पे ज़्यादा बिलीव करते थे, आपको अगर हमने अच्छी चीज़ थी तो आप डेफिनेटली 10 लोगों को बताओगे, 10 में से 2 तो क्लिक होंगे ही होंगे। इसी तरह से हम एक एक कदम करके आगे बढ़े हैं, और हमारा अभी 34वां फाउंडेशन डे है। और ऐसे ही हर साल हमारा भगवान की दया से एक दो प्रोजेक्ट
बढ़ता जाएगा, 4 प्रोजेक्ट बढ़, अभी भी मेरी 11 प्रोजेक्ट चालू है और ये बरस के अंदर ही हमने काफ़ी पोजीशन दी है। इसी तरह हमारा मन में यही भावना है कि हर साल हम ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को पोजीशन देवें, ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को घर देवें। देखो, बेसिक नीड ऑफ द पर्सन इज़ रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो साथ साथ हो ही जाती है। मकान अगर हमने किसी को शेल्टर दिया, ऐसा नहीं हम फ्री में देते हैं, हम तो ज़रूर पैसे लेते हैं, लेकिन चीज़ अच्छी देने की कोशिश करते हैं, टाइमली देने की कोशिश करते हैं, आफ्टर सेल्स भी हम सर्विस देने को रेडी रहते हैं। हमारा कोई भी कस्टमर आज तक हमें ऐसा नहीं मिला जो बोले हमें ये प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आने नहीं देते हैं। और आज भी को भी आज तक आपको हम बता दें कि भाई हमारे अगेंस्ट एक भी कंज्यूमर कोर्ट तक कोई केस नहीं है। क्यों? उसका कारण क्या है? हमें एक ही बात मालूम है, कम खाओ गम खाओ, वो फार्मूला से ही अपन चलते हैं। और इसके आगे मैं क्या कहूँ? इसके आगे सर ये पूछना है कि जिस तरीके से पैराडाइज नए नए स्लोगन, नए नाम, हमारा धरती और हमारा पैराडाइज पे आ गया, उस पर सर देखो ये धरती को पैराडाइज बनाना है, वो पैराडाइज बनाने के लिए यकमुस्ट होना पड़ेगा, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। अभी पैराडाइज नाम रख के अगर हम पैराडाइज बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होए कि ये सिर्फ कहने की बात रह जाए, ऐसी बात नहीं है। हम ना सिर्फ पैराडाइज बनाने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा आप हमारी प्रोजेक्ट साईं वर्ल्ड एम्पायर पे जाइए या कोई भी प्रोजेक्ट पे जाइए तो आपको जो एम्यूनिटीज़, आपको जो सहूलतें, आपको जो वहाँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और जो माहौल मिलेगा, समझा, आपको खुद ब खुद लग जाएगा भाई ये पैराडाइज से कम नहीं है। पैराडाइज कोई देखो कोई लैंडमार्क तो नहीं है उसमें, तो जितना आप आगे जाओ जितना अच्छा करो उसको भी पैराडाइज बोलेंगे, थोड़ा कम किया तो भी उसको पैराडाइज कहेंगे, लेकिन जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने की पूरी कोशिश चालू है। चलते चलते मनीष सर को प्रोड्यूसर्स क्या देना चाहेंगे? बच्चों को एक ही है ना, देखो आगे बढ़ो पीछे खतरा है, यही जीवन की यात्रा है, सफल होगी तेरी यात्रा, काय को रोए, रोने का नहीं, हंसते खेलते रहने का, क्योंकि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। 2 दिन तो हंसते खेलते गुजर गए और 2 दिन भी गुजर जाएंगे, और कभी गम नहीं करने का, काम को आगे बढ़ाते रहने का और लगन से करने का, तो ऑटोमेटिक ऐसी पैराडाइज तो बनती जाएगी ना। बहुत ही धूम के साथ 2 शब्द आप बोलना चाहेंगे तो भाई को क्या बोलना चाहेंगे? आज पैराडाइज ग्रुप और पैराडाइज ग्रुप की एक्सटेंडेड फैमिली यानी उनके चैनल पार्टनर्स, हम सब उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके जन्मदिन की। ऐसा लीडर, ऐसा हीरो, वाकई में हम बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसा लीडर और ऐसा हीरो हमें मिला है, ऐसा विजनरी मिला है जिसके दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चल के अपनी खुद की सक्सेस और इस सोसाइटी को भी सक्सेस दिला सक रहे हैं, इस नोड को भी हम एक सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बहुत खुश हैं हम, आज मनीष भटिजा जी का बर्थडे है और वो खुशी जाहिर करने के लिए हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए और उनको विश करने आए हैं। और वंस अगेन बहुत बहुत बधाई मनीष भटिजा जी को उनके जन्मदिन की। विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मनीष भटिजा। इस दौरान मनीष भटिजा ने सबका आभार मानते हुए कहा कि आप लोग आए मेरा सौभाग्य है और मैं इसी तरह की सामाजिक सेवा और अपने कार्यों को और भी आगे लेके जाऊंगा। देखिए, जो भी आज पैराडाइज की सक्सेस है उसका मेन श्रेय जाता है विश्वास को। विश्वास क्या? विश्वास उन बायर्स का जिन्होंने पैराडाइज पे भरोसा करके, ज़मीन के ऊपर भी जब हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो 30-40% प्रोजेक्ट बिक जाते हैं, वो भी हमारे रेट्स में। तो आज ये विश्वास जो पैराडाइज के ऊपर लोगों ने, बायर्स ने दिखाया है, उससे आज पैराडाइज इस मुकाम तक पहुंची है। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे बायर्स का करता हूं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का करता हूं, चैनल पार्टनर्स का करता हूं कि उन्होंने पैराडाइज पे इतना भरोसा जताया। और सबसे बड़ी चीज़ है, सेकंड सक्सेस का रीजन है रिश्ते। जब लाइफ में आपके पास में अच्छे रिश्ते हैं, जो लोग आपके साथ दिल से खड़े रहते हैं, चाहे वो मीडिया भाई बहन हो,
चाहे वो आपके दोस्त फ्रॉम पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपके दोस्त फ्रॉम ब्यूरोक्रेट हो, वो आपको किसी न किसी लेवल पे आपके साथ में ब्लेसिंग्स देने को अगर आपके साथ खड़े रहते हैं, तो उसका कारण है आपकी हॉनेस्टी। अगर आप हॉनेस्ट हो तो ये सब रिश्ते आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करोगे, लोगों को टाइम पे पोजीशन नहीं दोगे, तो कोई भी इस समाज में आपको साथ नहीं देगा। लोगों को साथ उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक सच्चाई के रास्ते पे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और पैराडाइज का वही सिद्धांत होने की वजह से इतने सारे लोग पैराडाइज के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत सारा आपके जरिए सबको धन्यवाद करता हूँ, और मेरे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इसी तरीके से आगे बढ़ने की शक्ति और समझ प्रदान करें, क्योंकि सक्सेस आने के बाद, पैसा आने के बाद ज़्यादातर लोगों के सोच में, उनके व्यवहारों में परिवर्तन आता है। जो मैंने देखा है, ज़्यादातर लोगों के सक्सेस को खोने का एक कारण। तो हम अपने पैर ज़मीन पर पकड़ के चलेंगे, उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सद्बुद्धि देवे, और हम इसी प्रकार से पैराडाइज में लोगों को टाइम पे घर और उनकी एक्सपेक्टेशन से बेटर क्वालिटी के घर बनाते रहें। 34th फाउंडेशन पैराडाइज को बताने के लिए ये 34 शब्द दो ही है, लेकिन इन 34 साल की जर्नी में हमने बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत, आप जैसे बहुत लोगों का सहयोग लिया है, तब जाके ये मुकाम तक पहुँचे जहाँ हम आज प्राउड फील कर रहे हैं कि हम नवी मुंबई की एक लीडिंग लग्जरी सेगमेंट, अफोर्डेबल सेगमेंट की टॉप ब्रांड है करके। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये हमेशा हमेशा के लिए जो मैं बोलता हूँ कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले समय में भी पैराडाइज अपने सिद्धांतों से कभी दूर नहीं हटेगा, और कहीं भी मेहनत करने में किधर कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैराडाइज एक मनीष भटिजा नहीं है, पैराडाइज एक फैमिली है, पैराडाइज एक सोच है जो पूरे हमारे स्टाफ और हमारे पूरी टीम, वेंडर्स, चैनल पार्टनर्स के अंदर पूरी घुसी हुई है। जो लोग पैराडाइज को प्यार करते हैं, इमोशन से जुड़े हुए हैं, ये पूरा पैराडाइज का पूरा परिवार हमेशा हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को खुश करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से अभी जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोगों की लाइन लगी थी, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे जन्मदिन पे आपके बारे में? दूसरी चीज सर, 34 जो हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, नए स्लोगन और नए लोगों के साथ आए हैं हम, हमारा हमारा पृथ्वी और हमारा पैराडाइज, तो इस पे ये जो सोच है उस पर हर साल सोच बदलनी रहनी चाहिए हर इंसान की, क्योंकि वक्त बदल रहा है। जनरेशंस, कोई यूके, कोई यूएस, कहीं से पढ़ के यहाँ पर आ रही है, तो आपको अपने स्लोगन सिर्फ नहीं बदलने हैं, स्लोगन के साथ आपकी सोच, आपकी क्वालिटी, आपके नेक्स्ट विज़न की तैयारी करनी है। और पैराडाइज उन्हीं स्लोगन्स के साथ अपने हर बार प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नया लेके आने को उत्साहित रहता है और इंटरेस्टेड रहता है, और आगे भी हम ये करते रहेंगे। रही बात मेरे जन्मदिन पे शुभकामनाओं की, ये मेरे सब शुभचिंतक हैं, शुभचिंतक ही शुभकामनाएं देते हैं, और आई एम लकी कि आई हैव अ टू मेनी शुभचिंतक्स इन माय लाइफ जो पैराडाइज के साथ, मनीष भटिजा, अमित भटिजा, मधु भटिजा मेरे फादर, हमें प्यार करने वाले लोग इन संसार में बहुत है। इसलिए जब लोग मुझसे पूछते कि मनीष भाई आप थकते नहीं हो क्या, तो थकान नहीं होने का कारण ये सब रिश्ते हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, वो हमें थकने ही नहीं देते और हमें रुकने ही नहीं देते। इसलिए बोलते हैं पैराडाइज थकेगा नहीं, पैराडाइज रुकेगा नहीं, पैराडाइज हारेगा नहीं, पैराडाइज झुकेगा नहीं, बस पैराडाइज अपना कर्तव्य करके काम करता रहेगा। सर चलते थे, छोटा सा सवाल अगर बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके अभी साथ में हमारे अमित भाई आपके बहुत राइट हैंड सपोर्टर हैं, 3 साल के बाद आपने अनाउंसमेंट किया अनसार है, तो ये दो शब्द अगर हमारे चैनल के माध्यम से भी अगर आप बताना चाहें। नहीं, हमारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले मेरा बेटा 2027 को, व्हेन आई विल बी 50 ईयर ओल्ड, दैट टाइम कंपनीज विल फिनिश 37 ईयर, फाउंडेशन डे विल सेलिब्रेट दैट डे। तो 21 सितंबर 2027 को कंपनी के अंदर मेरे बेटे अंश की लॉन्चिंग, और हम लोग उस टाइम पे ईश्वर ने कृपा की तो हमारा सपना है कि हम अपना पब्लिक इशू 21 सितंबर 2027 को लेके आएंगे। वसीम काजी के साथ कविता राग की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नई मुंबई।